अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें न्यूज मिली है कि एक बंदा एक बंदे को उधर मार रहा है ठंड में। आइए देखते हैं क्या हुआ है। सर सर आप इतनी ठंड में इन्हें मार रहे हो, क्या बता सकते हो क्या हुआ है? बंदा मार दिया इसने। ओके तो आप मंडर रहे हैं, इन्होंने ठंड में एक बंदा मार दिया है। ठंड में तो चप्पल भी जोर से लगती है, आप हमें बताएंगे आपने क्यों मारा? अरे भैया सुबह सुबह टट्टी कर रहे थे, धोने की बारी आई, धुंध ज्यादा था, अपनी दिखी नहीं, बाजू वाले का धो दिए। अब हम का करे, ससुर का चूतर इतना सेंसिटिव था, वहीं जम गया, मर गया साला। तो इन्होंने एक बंदा मार दिया ठंड में, मार रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? बड़े दिनों बाद वीडियो में मिल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी। और वैसे भी टाइम बहुत हो गया है वीडियो को स्टार्ट किए हुए, तो वीडियो में बता दूं होने क्या वाला है। अब मुझे वीडियो बनाए हुए पूरे 4 महीने हो चुके हैं, अब दिन पे दिन जाते जा रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिलते जा रहे हैं। हाँ तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट करा, अब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है मुझे। प्लीज़ मुझे थोड़े बहुत सपोर्ट कर दो। आज मुझे 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो को बनाए हुए, तो मैं वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, नहीं तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के, और वीडियो में लेते हैं किसी ना किसी की गांठ। हेलो, मैं आज कैसे याद कर लिया? I'm pregnant. A few moments later. यार मेरे को ना श्योरिटी है कि मेरे से नहीं हो सकता यार, मैं प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता, मैं मेरे को आता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता तू? तो नंबर दे क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या पता हूँ, इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? रुको जरा, सबर करो। ओ सर आप गलत रिपोर्ट पढ़ रहे हो, ये रिपोर्ट है इनकी, वो तो आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हो। खोपड़ी कौन है, कहां से आते हैं? आई डोंट नो। सो मैं ये बोलूँगा, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2020 में, तब मेरे से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। आजकल तुम लोग जानते हो YouTube में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई देखो YouTube के पीछे पड़ा हो, भाई मैं YouTube बनाऊंगा। अब YouTube ने भी क्या कर, अपनी एक ऐसी पॉलिसी निकाल दी भाई, YouTube भाई जो भी YouTube बनाएगा उसको चाहिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। भाई 1000 सब्सक्राइबर तो कर लेते हैं लोग, मेरे स्टार्टिंग में तो बड़े मुश्किल से हुए थे, बट मैंने कर लिया, कैसे ना कैसे मैंने करके कर लिया। अब बात आती है मैंने वॉच टाइम कैसे करूँ यार, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, सीरियसली बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरी वीडियो में और जो मेरी वॉइस है वो अलग अलग कंटेंट बहुत ज्यादा है। मुझे पता है तुम लोग मुझे गाली देने वाले हो, जी भर के गाली दोगे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मारोगे मेरी, मुझे पता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेने का वरना गान तोड़ देने का, ठीक है। तो वीडियो में आज अलग सीन है क्योंकि वैलेंटाइन डे खत्म हो गया, 2020 खत्म हो गया, सारे जितने त्यौहार जितना तुम्हारा लव सब मतलब ब्रेकअप डे सब खत्म हो गया, तुम्हारा सीधा प्रेग्नेंट डे आएगा, वो भी लड़कियों का आएगा, मतलब तुम्हारा कहाँ लड़कियों का, जो जिसने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन किया होगा उसका आएगा, बाकी मुझे नहीं पता क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं। चुतिया कौन है? क्या बढ़िया था गुरु। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम माय फादर, मैं उनको सब बताता हूँ। मैंने बोला बाबा एक ऐसा वीडियो किया है मैंने जॉनी सिंसियर, कह रहा कौन जॉनी जॉनी एस पापा वाला? मैंने कहा नहीं ओपन योर माउथ वाला। हाँ मैं तुम्हें ये बता रहा था, मुझे 4 महीने हो गए हैं यूट्यूब को। हाँ आज की वीडियो में मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा अलग है, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अलग है, तुम लोग क्या सोचोगे ये मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ? हाँ मेरी वीडियो अलग है भाई, वॉइस अलग है, कोई बात नहीं होने दो, कुछ भी नेवर माइंड ओके। सो मैं ये बोलूँगा यार, आजकल मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे शौक पड़ा हुआ है, मतलब नया नया है सो शौक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो वहाँ पे। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, न जो आजकल YouTube में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा हद से पार है, मतलब 100 में से भाई जो एक ही एक या दो होंगे ना उनका ही मतलब ग्रो हो पाता है चैनल, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ, इस लाइन में मैं आया हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी गाली नहीं देता था, अब मैं जी भर के गाली देता हूँ। ये आप फोटो किसकी देख रहे हैं? मेघना मेरी वाइफ, उससे कहकर आया था
कि चांद पर उसकी फोटो जरूर छोड़ के आऊंगा। चलो दिलदार चलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनफ्लावर में थी? हाँ, एक बात और है, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनाता था तो करीब मेरे ख्याल से 150 या 300 सब्सक्राइबर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ था, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ था, मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो दूसरी बात ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनो कि चैनल मेरे अब बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया है, सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, बट वॉच टाइम गेन नहीं हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, मेरी वीडियो को देख लिया करो थोड़ा बहुत, या फिर अपनी कुछ भी करके, या फिर वीडियो चला के छोड़ दिया करो। मैं मेहनत करूँगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है, मेहनत मैं करूँगा। तो अब मैं वीडियो यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो के कंटेंट के बारे में बोलूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। हाँ, जैसे इसने अभी गाना गाया ना, मुझे समझ नहीं आता ये गाना गा रही है कि किसी का मत्ता फोड़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस लड़की को कोई बताओ, ये सिंगिंग नहीं होती, ये होता है सत्संग। ये पता नहीं अम्मा लगती है या फिर शादीशुदा औरत लगती है, इसकी तो कोई मतलब मेरे मुंह में कुछ है नहीं इसके लिए। भाई समझाओ, ये ऐसे गाना मत गा, अपने क्यों भक्तों का सर फोड़ रही है? मुझे नहीं पता इसके कौन कौन से भक्त शामिल हैं। आजकल तो जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो तो मियाँ खलीफा, सनी लियोनी और रिहाना, वैसे इनके बहुत सारे भक्त हैं, मुझे पता है कौन भक्त है कौन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे सिंगर को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। ये मेरे ख्याल से सत्संग कर रही है, जो भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि अपना शरीर को यहाँ से वहाँ हिला रही है। एटलीस्ट पूछो, तेरे बदन में अग्नि बड़ी है, अरे माँ चुदी परी है, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, अर्जुन की माँ की चुत 3 बार। एक सवाल का जवाब दे के, क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि मैं तो गांड मराना चाहता हूँ। वाह भाई बेटे वाह, तूने मौज कर दी वीडियो में, मुझे पता है तूने मौज कर दी। चलो, मेरा कंटेंट तो अलग ही रहता है वीडियो में, हर वीडियो का कंटेंट अलग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सुन बे चुदामा, हाँ बे लोडू चैन, बोल आलू, बोल आलू। हाँ फिर तू बोलेगा तेरा पूरा खानदान मालू, बहुत खेला है मैंने। अरे वैसा नहीं है रे, तू बोल तो सही। अच्छा चल ठीक है, आलू तेरा पूरा खानदान छक्का। भोसड़ी के पर ये मैच कहाँ हो रहा है? मैच हो या ना हो, तू और तेरा खानदान तो छक्के ही रहोगे ना। आलू दिखाओ तेरी औकात, तू जाके झाट काट, मत कर अपना सीना चौड़ा, तू और तेरा खानदान बहन का लौड़ा। अब तो तू नहीं बचेगा, तू मेरा मुँह में लेके नाचेगा, तुझे तेरे घर से उठवा लूंगा, तेरी गांड में हीरो आलोम का नुन्नू डालूंगा। भोसड़ी के तेरा मैं चूतिया काटूं, तुझसे नहीं होगा बे झाटू। अबे चूतियों की तरह राइमिंग मत कर, तुझ पे नहीं होती है सूट। सुन बे चुदामा। आपको पता है जो ये सिंचैन था ना, ये मेरे ख्याल से नॉनवेज सिंचैन है, क्योंकि भाई नॉनवेज का मतलब भाई ये गाली के बिना इसको स्वाद नहीं आता। हाँ, ये आपस में जो मतलब सोनहारी जो भी नाम है वो मतलब इनके आपस में भाई इसकी जो फ्रेंड वेंड हो आपस में क्या बकचोदी करता मुझे नहीं पता। जब मैं बच्चा था तो सभी यही देखते हैं, मैं क्या सभी देखते हैं, तो आजकल मैं तो नॉनवेज देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ उसको ये बोल देते हैं कि तू ना वैष्णो देवी चला गया अपनी माँ के साथ, वहाँ तो जम्मू में नेटवर्क आते ही नहीं है, तो तू अपना फोन ना मेरे पास छोड़ गया। हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। तुझे मैं इतना धार्मिक लगता हूँ? ये क्या कर रहा है, छोड़। अरे तू छोड़ ना, तूने क्यों पकड़ लिए? अरे मेरे भाई ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, छोड़ छोड़। फिर मेरी मर्जी, मेरा सामान, मैं कुछ भी करूँ, तू छोड़ ना, तू छोड़। देख लेना, समझ मेरी बात, छोड़। ना भोसड़ी के बेटे,
बड़ा हरामी हो बेटा। बताओ इतना मादक चोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। वाह भोसड़ी के वाह, तुम तो एक बड़े हैवी ड्राइवर निकले। तुम तो आजकल मैं दिल्ली के एरिया में बता दूं यार, तुम हर जगह पार्क में जाओगे दिल्ली के इलाके में, खासकर जैसे मुंबई भी है एक, जैसे वैसे दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का बता सकता हूँ मैं। दिल्ली में आजकल अलग ही सीन चल रहा है, जो भी कपल्स पार्क में जाओगे तो भाई वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन बैठी होगी कपल्स की, वही कपल्स बाद में ये बोलती है मोदी सरकार से, ये बोलती है कि सरकार जॉब दे दो हमें। यहाँ पे आपके फैंस हैं सनी, जो आपसे बातें करना चाहते हैं और आपसे कुछ पूछेंगे। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, आपको देख के सोता हूँ देख के जागता हूँ। मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूँ? हाँ। सच्ची में? ओ गुरु, ओ रुको गुरु रुको, हर पीला फूल आम नहीं होता, हर रोड पे चक्का जाम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो, उठाओ होटल का खर्चा, ये वो स्टेप करती है जो खुलेआम नहीं होता। तो दोस्तों मैं बाकी दोस्तों की तरह यही बोलूँगा, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं बिना बकचोदे के, और वीडियो की मार ली हमने पूरी तरह से गांड। आज की वीडियो हमारी अच्छी नहीं होगी या अच्छी होगी वो पता नहीं तुम्हें कैसी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो एक लाइक छोड़ के जाना, मैं तुम्हें पक्का अपना छोटा सा दिल दूंगा पक्का। वीडियो लाइक अच्छी सपोर्ट कर दो, थोड़ा बहुत शेयर कर दो यार, प्लीज़ शेयर कर दो, कमेंट करके जरूर।